So, आज हम पढ़ेंगे हेमोरजिक स्ट्रोक जो स्ट्रोक का टाइप है प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्केमिक स्ट्रोक जो स्ट्रोक के टाइप्स है जिसमें स्ट्रोक में दो टाइप्स आते हैं हेमोरजिक एंड स्केमिक स्ट्रोक तो आज हम हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे इनका डेफिनेशन है इट ऑकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इट इज कॉज बाय ब्लीडिंग इन टू सब ब्रेन टिश्यू एंड वेंट्रिकल्स इसमें क्या होता है जो हमारा ब्लड वेसल्स है इसमें रक्चर होने के कारण क्या होता है ब्लीडिंग हो जाते हैं जिसके कारण हेमरेजिक स्ट्रोक कॉज होते हैं जो सब हमारे जो ब्रेन में जो सब एरेग्नोइट सब एरेग्नोइट स्पेस है उसमें क्या होते हैं ब्लीडिंग हो जाते हैं या फिर ब्रेन टिश्यूज या वेंट्रिकल्स में ब्लीडिंग होने के कारण क्या होते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक कॉज होते हैं है, है? uh, हो है, है? है. तो हेमरेजिक स्ट्रोक के कॉजस हैं ड्यू टू rupture ऑफ सेरेबल एन्यज्म एन्यिज्म क्या होता है जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं उसका वीक वीकनेस की वजह से क्या होता है इसमें जो ब्लड्स होते हैं वो फील हो जाते हैं और ऐसे बलून की तरह ये बन जाते हैं तो इसमें क्या है जो सेरेब्रल uh, एन्यूरिज्म जो हमारे ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है उस, उनका रप्चर होने के कारण क्या होता है सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो जाते हैं और सेकेंड है हाइपर टेंशन जिसमें आ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं नेक्स्ट है सब एरेगनोइड हेमरेज इसमें क्या होता है जो ब्रेन और जो ब्रेन और जो टिश्यूज होते हैं जो ब्रेन को कवर करते हैं जो आ, सब एरेक्नोइ स्पेस है उसमें क्या होता है ब्लीडिंग हो जाते हैं और नेक्स्ट है सर्टेन ड्रग्स सर्टेन ड्रग्स के कारण भी हेमरेजिक स्ट्रॉक होते हैं और नेक्स्ट है एंटीरियो वेनस माल फॉर्मेशन जो एंटीरियो वेनस है उनका माल फॉर्मेशन हो जाते हैं माल फॉर्मेशन मीन जो एबनॉर्मल कनेक्शन होते हैं आर्टरीज और वेन के उसको बोलते हैं माल फॉर्मेशन यूजली ये ब्रेन या स्पाइन में होते हैं और नेक्स्ट है इंट्रासेरेबल हेमरेज इंट्रासेरेबल हेमरेज क्या है जब ब्लड uh, uh, जो ब्लड uh, जो क्या है ब्रेन टिश्यूज में सडनली बर्स्ट आउट हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है ये हमारे ब्रेन को डेमेज कॉज करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेरेबल हेमरेज नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक के दो टाइप्स होते हैं प्राइमरी इंट्रा सेबल हेमरेज सेकेंडरी इंट्रा सेबल हेमरेज जो प्राइमरी इंट्रा सेबल हेमरेज इसमें क्या होता है मोर कॉमन होते हैं ड्यू टू रप्चर ऑफ स्मॉल वेसल्स Uh, इसमें स्मॉल वेसल्स होते हैं उनके रप्चर हो जाते हैं जो सेकेंडरी इंट्रा हेमरेज इसमें क्या होता है कि जो आर्टीरियो वेनस होते हैं उनका जो माल फॉर्मेशन या एबनॉर्मल फार्मेशन होते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इनके साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या होता है हेडेक डिजीनेस डीजीनेस नक्कल रेजिडिटी टीनेटस लॉस डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हेमीपेरासिस इसमें हेमीपेरासिस मीन्स मसल वीकनेस या फिर पार्शल पेरालाइसिस ऑन आर्म और लेग एंड एफेजिया विजुअल डिफेक्ट जिसमें विजन लॉस हो सकते हैं एंड फिजियोलॉजिकल इसमें क्या आते है कि पेशेंट क्या आते हैं uh, कॉपरेट नहीं कर पाते एंड पेशेंट एग्रेसिव होते एग्रेशन ज्यादा होते हैं और ब्लैडर डिसफ़ंक्शन होते हैं जो यूरिनरी रिटेंशन या यूरिनरी इनकंटिनेंस होंगे सो so नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या कर सकते हैं हम प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव साइनस सिम्टम्स हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसके बाद सी स्कैन या एमआरआई सो नेक्स्ट पॉजिट्रॉन इमिशन टेस्ट करेंगे पॉजिट्रोन इमिशन टेज में क्या होता है कि uh, ये एक इमेजिंग टेज है जिसमें जो बायोकेमिकल या फिर मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं टिश्यूज या ऑर्गन्स का उनको रिवील करने में हेल्प करते हैं और इनका मैनेजमेंट है हेमरजिक uh, स्ट्रोक का मैनेजमेंट है फर्स्ट हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे देन जो ब्लीडिंग uh, है उनको ट्रीट करेंगे देन प्रोवाइड एनर्जेसिक टू रिलीव पेन हम क्या करेंगे जो वेजोस प्लाजम है उनको मैनेज करेंगे वेजोस प्लाज्म में क्या होता है कि जो आर्टरीज़ होते हैं वो क्या होते हैं नेरो हो जाते हैं और इसमें जो ब्लड वेसल्स है उनका क्या होता है परसिस्टेंट कंट्रेक्शन होते हैं जिसको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको हम क्या करेंगे मैनेज करेंगे नेक्स्ट हम पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं जिसमें क्या होता है जो हमारे डीप वेन होते हैं उसमें ब्लड क्लोथ हो जाते हैं यूजली ये कहाँ होते हैं लेग में होते हैं तो उसमें हम uh, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग देंगे इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग क्या है ये एक तरह का प्रेशर uh, अप्लाई है, करते हैं हमारे जो लोअर लेग्स होते हैं उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं टू मेंटेन ब्लड फ्लो और जो डिसकंफर्ट uh, या स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करते है, करते हैं इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग सो नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे क्रेनियोटोमी क्रेनियोटोमी में परफॉर्म क्रेनियोटोमी मीन्स क्या है ये एक ऑपरेशन है जिसमें स्कल uh, के जो पीस होते हैं उनको रिमूव करते हैं और uh, ये क्यों करते हैं क्योंकि कोई भी लाइक एबनॉर्मल ब्रेन टिश्यूज या फिर ब्रेन ट्यूमर हो, होने के कारण उनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं ये डॉक्टर क्रेनियोटोमी परफॉर्म करते हैं